ये थाना एक्सप्रेसवे के द्वारा एक इनपुट इनको मिला था कि एक गाड़ी में भारी मात्रा में जो है वो गांजा की तस्करी हो रही है। इसमें इन्होंने घेराबंदी की और घेराबंदी करने पे एक एमजे हेक्टेयर गाड़ी जो है वो इंटरसेप्ट की गई। उसमें दो लोग बैठे हुए थे। इन दोनों लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने गाड़ी में भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ था, जो लगभग 350 किलो के आसपास है। और ये जबलपुर की तरफ से लेके आ रहे थे। इनसे पूछताछ हुई तो पता चला ये उड़ीसा से लेकर आ रहे थे और कहीं इनको दिल्ली के आसपास कोई डिलीवरी करनी थी। मंजय कुमार और विनय कुमार दुबे, ये दो लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। विनय कुमार दुबे जो है वो BHU में थर्ड ईयर का स्टूडेंट है बताया जैसा जा रहा। इसके अलावा सुदामा चौधरी और पवन मिश्रा, ये दो लोग और हैं जो इनके साथ थे, जो आगे चल रहे थे, काफ़ी आगे थे, वो गाड़ी में भी थे, वो फरार हो गए हैं। उनको भी जो है वो जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सर ये कंसाइनमेंट लाने ले जाने का काम करते थे या इससे पहले भी और तरीके? ये जो दोनों पकड़े गए हैं इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये कंसाइनमेंट लाने ले जाने का काम करते थे। इनको एक पर्टिकुलर टारगेट दिया जाता था कि एक्स जगह से वाई जगह तक इनको जो है वो इस कंसाइनमेंट को छोड़ना है। उसके एवज में इनको कुछ पैसा दिया जाता था, जैसा इन्होंने बताया कि 15,000 रुपये इनका तय किया गया था। तो इसी तरह से ये चेन के तौर पे जो है वो यूज होते थे। पहले भी ला चुके हैं। इनका मेन सोर्स क्या था? ये उड़ीसा से लेके आ रहे हैं जो बताया जा रहा है। उड़ीसा में किस व्यक्ति से लेके आए हैं इनके पास उसका कोई डिटेल नहीं है, बट हम इसमें ऑल जो टेक्निकल डिटेल्स है वो सब एनालाइज करेंगे। क्या आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास इनका जो है वो हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया है। लोकल से जो बात हुई है इनके रेजिडेंशियल एड्रेस से, वहाँ भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। कितने समय से काम कर रहे हैं सर ये लोग? ये अभी इनके द्वारा यही बताया गया है कि ये बहुत जल्दी टच में आए थे और इनके द्वारा ये पहला काम था जिसमें इंटरसेप्ट